के पाठक की शिकायत लेकर शिक्षक नेता लालू प्रसाद यादव के पास पहुंच गए हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है, लालू यादव से शिक्षक संघ के नेताओं ने मुलाकात की है और के पाठक की शिकायत की है। जी हां, जिस तरह से लगातार शिक्षा विभाग में फरमान जारी किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा, तो उस पर अब शिक्षक संघ परेशान होकर लालू यादव के दरबार में गुहार लगाने पहुंचा है। आपको बताएं कि जिस तरह से शिक्षा विभाग के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और के पाठक, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके बीच तो ठनी ही हुई है। लगातार पिछले दिनों देखने को मिला था पीत पत्र के माध्यम से मंत्री ने अपनी हनक दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन के पाठक ने उनके जो सचिव हैं उन्हें उनके घुसने पर ही रोक लगा दी थी शिक्षा विभाग में। तो ऐसे में लड़ाई खुलकर सामने आई थी और आज एक और पत्र जारी किया गया है, उससे भी समझा जा सकता है कि शिक्षा विभाग के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। के पाठक और अपर मुख्य सचिव के पाठक और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बीच लड़ाई जारी है, जो अंदर ही अंदर कोल्ड वार चल रहा है वो जारी है। ऐसे में शिक्षक संघ फरमान से परेशान होकर पहुंच गया है लालू यादव के पास। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो तस्वीरें सामने आई है, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने लालू दरबार में हाजिरी लगाई है और के पाठक की शिकायत की है। जैसा कि जो खबरें आई हैं, जो संघ के आला नेताओं ने लालू यादव से मुलाकात की है और यहां तक कि जो संघ के सबसे बुजुर्ग नेता हैं ब्रजनंदन शर्मा, जो वो भी लालू यादव से मिले हैं संघ के नेताओं के साथ। ब्रजनंदन शर्मा जो सबसे बुजुर्ग नेताओं में से एक हैं, शिक्षक नेताओं में से, उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की है और के पाठक की शिकायत की गई है। दरअसल के पाठक जिस तरह से लगातार आदेश जारी कर रहे हैं, पिछले दिनों तो शिक्षक संघों ने इसे तुगलकी फरमान बताया था, जैसा कि विद्यालय निरीक्षण को लेकर जिस तरह से लोगों को लगाया गया है, विभाग के चपरासी तक भी निरीक्षण कर रहे हैं स्कूलों का। ऐसे में शिक्षक संघ ने आपत्ति जाहिर की थी। उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये जैसे जो तमाम विरोध है वो दर्ज कराया है शिक्षक संघ ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के सामने। संघ के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं मनोज कुमार, उनके नेतृत्व में नेताओं की जो टीम है, शिक्षक नेताओं की टीम, उन्होंने के पाठक की शिकायत की है लालू यादव से और कहा है कि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से कार्यशैली है के पाठक की, उस पर जो है शिक्षक जो है नाराज हैं। तो संघ ने अपनी शिकायत लालू यादव के सामने रख दी है और अब आगे क्या होगा। दरअसल जिस तरह से पिछले दिनों शिक्षकों के लिए फरमान जारी किया गया कि बीपीएससी की परीक्षा पास करेंगे तो राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे, दरअसल नियमावली जो निकली नई नियमावली, उसके तहत शिक्षकों को परीक्षा देना आवश्यक कर दिया गया। बीपीएससी की परीक्षा जो देंगे शिक्षक वो ही पास करके राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे और जो नहीं देंगे वो जो शिक्षक पद पर बहाल हैं वो बने रहेंगे। तो ऐसे में शिक्षक इसका तो विरोध कर ही रहे हैं और अब दूसरी तरफ के पाठक के फरमानों का भी विरोध शिक्षक संघ ने कर दिया है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।